वर्ल्ड टेलीकॉम डे के एक दिन पहले यानी 16 मई को टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च कर दिया। इस पोर्टल की मदद से अब खो चुके मोबाइल फोन को खुद ब्लॉक करना और ट्रैक करना मुमकिन हो जाएगा। इसके लिए पोर्टल पर मोबाइल खोने की जानकारी देते वक्त कुछ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किए जाएंगे। उसके तुरंत बाद ऑनलाइन टेलीकॉम ऑपरेटर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ इंटरेक्ट करके ये पोर्टल फोन को ब्लॉक कर देगा। इस मौके पर टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केवल सिम को ब्लॉक कर देना कोई समाधान नहीं है, फोन को ब्लॉक करना भी जरूरी होता है। जो फ्रॉडस्टर्स हैं, उनका सबसे पहला स्टाइल होता है कि सिम निकाली और उसके अंदर फोन के अंदर नई सिम डाल दी। तो सिम को ब्लॉक कर देने से सॉल्यूशन पूरा नहीं होता है, फोन को ब्लॉक करना जरूरी होता है। फोन को ब्लॉक करने के लिए उसका जो यूनिक आइडेंटिफायर होता है फोन के डिवाइस का, उससे फोन को ब्लॉक इसमें किया जाएगा। मान लो सिम निकाल के नया सिम डाल दिया तो भी उस फोन को डिवाइस को ब्लॉक कर सके, दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड इन दी संचार साथी पोर्टल। ये पोर्टल केवल फोन ब्लॉक करने तक की सुविधा लेकर नहीं आया है, बल्कि इसके कई और फायदे हैं, जिसमें ये पता लगाना शामिल है। यूजर अपने नाम पर इस्तेमाल किए जा रहे सिम के बारे में भी पता लगा सकते हैं। यही नहीं, अगर यूजर को ऐसा कोई नंबर दिखाई देता है जो उसने नहीं लिया है तो उसे ब्लॉक करना भी संभव है। सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स यानी CDOT अभी तक दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर पूर्व भारत के कुछ टेलीकॉम सर्किल में इस सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट चला रहा था। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद अब पूरे देश में इसे लॉन्च कर दिया गया है। CDOT के मुताबिक सिस्टम में एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो मोबाइल की स्मगलिंग की भी जांच करेगा। अभी क्रिमिनल्स ज्यादातर मोबाइल चोरी करने के बाद डिवाइस का IMEI नंबर बदल देते हैं, जिस वजह से मोबाइल ट्रैक या ब्लॉक नहीं हो सकता था। ये पोर्टल IMEI नंबर बदलने के बाद भी डिवाइस को ट्रैक और ब्लॉक कर देगा। संचार साथी पोर्टल के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के दौरान इस पोर्टल के जरिए 4,81,000 से ज्यादा खोए या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक किया जा चुका है। इसके साथ ही 2,43,000 से ज्यादा मोबाइल को ट्रैक किया गया है। यही नहीं, अब तक इस पोर्टल की मदद से 8,000 फोन बरामद किए जा चुके हैं। इन खूबियों के बाद अनुमान है कि मोबाइल फोन को लेकर जारी कई गड़बड़ियां और धोखाधड़ी खत्म हो सकती है। इससे लोगों के साथ होने वाले अलग अलग तरह के फ्रॉड के मामले भी कम हो सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।